आज का ये मुकाबला जो था वो था मुल्तान के सुल्तानों के बीच में और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बीच में, जहां पर मुल्तान सुल्तान की जो पारी थी वो बहुत बढ़िया सी गई थी। टॉस जीता और मुल्तान सुल्तान ने फील्डिंग करने का फैसला किया। यहाँ पर दोनों प्लेइंग 11 पर एक बार नजर डाले, तन्मय क्या लगता है दोनों टीमों में क्या अंतर है, कौन सी टीम आपको बेहतर लगती है ऑन पेपर? ऑन पेपर अगर बात किया जाए, मुझे तो लग रहा है कि मुल्तान सुल्तान्स के पास थोड़ा बहुत एडवांटेज है, क्योंकि ऑपोजिट साइड पे बहुत एक्सपीरियंस तो है लेकिन एज भी थोड़ा बहुत मुझे फैक्टर लग रहा है। तो ओवरऑल अगर बात किया जाए तो मुल्तान सुल्तान्स मुझे लगता है कि बहुत शानदार खेलेंगे, एंड सोन मशहूद एंड मोहम्मद रिजवान तो बहुत अच्छे फॉर्म में है ऑन बैट। बिल्कुल, टॉस जीता मुल्तान सुल्तान्स ने और कोई उसमें दो राय नहीं थी, उन्होंने बॉलिंग करने का फैसला किया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बल्लेबाजी पर एक बार नजर डाले तो भैया ये तो था डिजास्टर, ये था डिजास्टर, क्योंकि जेसन रॉय और हसनैन जो नंबर 10 पर आए थे, इनके अलावा किसी ने 20 रन का आंकड़ा भी पार नहीं किया। 110 रन पर ये पारी सिमट गई, 7 अतिरिक्त रन आए, 18.5 मतलब कि 19 ओवर में ये सारा बोलते हैं ना कि भूकंप जो था इनके ऊपर, जो कहर जो बरसा है। एक बार बॉलिंग के आंकड़ों पर नजर डाले तो जिस तरह एहसान उल्ला ने बॉलिंग की है, 4 ओवर 12 रन देकर 5 विकेट ली, जरा एक बार बताइए आपको कैसा लगा इनका बॉलिंग का प्रदर्शन? तन्मय, इनका बॉलिंग प्रदर्शन की अगर बात किया जाए वो तो लाजवाब था, स्पेशली पेस इनका हर गेंद पे हम लोग को 150 के आसपास देखने के लिए मिल रहा था, एंड उनके पेस का जो वेरिएशन था उसी के बीच में ही फंस गए अब लाइक पूरे बैट्समैन, एंड उन्होंने इकोनॉमी रेट भी अपना बहुत अच्छा रखा था 3 के आसपास उसी जगह पे। अगर बात करें इनके डॉट गेंदों की तो 16 डॉट गेंदे, एंड वो डॉट गेंदों की वजह से भी प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट हुआ था, आई थिंक इसी वजह से इतना ज्यादा सफल रहे वो। बिल्कुल, और इसी के साथ 111 रन का लक्ष्य था मुल्तान सुल्तान्स को। रिजवान जो कि कप्तान है, विकेट कीपर है, स्वयं ओपन करते हैं बल्लेबाजी, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि अगर बैटिंग लाइनअप पर नजर डाले और बैटिंग के समरी पर नजर डाले स्कोर कार्ड पर यहाँ पर, तो शान मसूद जल्दी चलते बने थे 3 रन पर, लेकिन रायली रूसो ये तो अलग तरह का क्रिकेट खेल रहे थे इस पिच पर, उनको तो भैया खानी थी बिरयानी जल्दी जल्दी और उन्हें मैच खत्म कर दी बहुत फटाफट। बिल्कुल, एंड वैगन विल की अगर बात किया जाए तो राइलर रूसो की हम लोगों को काफी इवन स्टीवन देखने के लिए मिल रहा है, लेग साइड के ऊपर 55.56% एंड ऑफ साइड के ऊपर 44.44%, एंड देखिए सिंगल सिर्फ 15 लिया गया है बट छक्के लगा है 3, चौके लगा है 9, तो बाउंड्रीज की बरसात तो हम लोगों को देखने के लिए मिला ही था, एंड ये जो बरसात है ये पूरे मुल्तान के ग्राउंड के जितने भी ऑडियंस थे उनके लिए तो पूरा ही बोलते हैं ना कि मजे ही मजे, क्योंकि उनके ही होम ग्राउंड पे उन्होंने यह जीत दर्ज किया, वो भी इतने बेहतरीन मार्जिन पे। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन मार्जिन से। एक बार बॉलिंग के आंकड़ों पर नजर डाले, कुछ खास देखने के लिए रहा नहीं है लेकिन फिर भी एक बार नजर डाल लेते, क्योंकि नसीम शाह एक इकलौते ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने शुरुआती 2 ओवरों में 6 रन देकर थोड़ा सा दबाव बनाने की कोशिश की थी, पहली विकेट गिरी जल्दी 3 रन पर, 2 अतिरिक्त रन दिए, लेकिन उसके अलावा तुषारा ने एक विकेट जरूर चटकाई लेकिन महंगे साबित हुए। बाकी सारे के सारे बॉलर जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं किसी ने कुछ ज्यादा प्रभाव डाला नहीं इस गेम पर, और 14वें ओवर में ये टोटल आसानी से चेज हो गया। 111 रन का जो लक्ष्य था वो 13.3 ओवरों में चेज कर लिया गया, और राइली रूसो ने जिस तरह बल्लेबाजी की आई थिंक बहुत कमाल थी। मैच समरी पर एक बार नजर डालेंगे तो मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस एहसान उल्ला का जो था, 4 ओवरों में 5 विकेट चटका कर 12 रन देना केवल ऐसी बैटिंग लाइनअप के सामने जिसमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो काबिले तारीफ था। और ये पहली विक्ट्री आती हुई मुल्तान सुल्तान के लिए, और नेट रन रेट में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा आगे जाकर इस टूर्नामेंट में, और जब टूर्नामेंट की ये गेम्स अंत तक जाती है तन्मय, तो यही मुकाबले है जो आपको यू नो वो देते हैं कि एज ओवर द अदर टीम दे देते हैं। एंड ये चीज कहने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है कि अगर आपको मौका मिल रहा है तो मौके को ग्रैब करो, एंड उसको प्रॉपरली किया गया है मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से। तो यही था आज का पूरा सिनेरियो, एंड ओवरऑल बहुत ज्यादा लाजवाब हम लोगों को देखने के लिए मिला ये मैच, बट बहुत ही जल्दी आप लोगों के सामने पॉइंट टेबल भी आने वाला है, एंड पॉइंट टेबल आते ही एक चीज पता चल जाएगा कि क्या टॉप पे चले गए हैं इधर मुल्तान सुल्तान्स, क्योंकि देखिए बाकी जितने भी मैचेस है आई थिंक उसमें नेट रन रेट पे जो सबसे टॉप पे थे उनका +1 पे था नेट रन रेट, एंड वो पेशवर था मोस्ट प्रोबेबली, बट इस बार जिस तरीके से इस मैच गया है माइनस से डायरेक्ट वो प्लस पे तो जाएगा ही जाएगा, एंड वो हो सकता है कि 1 से भी ऊपर चले जाए, तो एक बहुत ही लंबा जंप हो सकता है मुल्तान सुल्तान्स के लिए। बहुत बड़ा जंप होगा, ये जरूर होगा, एक बार पॉइंट टेबल आज ही बिल्कुल यहाँ पर आ गया, और जैसा तन्मय ने कहा +1.382 ये है उनका नेट रन रेट, यहाँ पर आप देख सकते हैं वो अकेले ऐसी टीम है जिन्होंने 2 मुकाबले खेले हैं
एक विक्ट्री और एक लॉस, पेशावर जलमी नंबर टू पर, लाहौर कलंदर नंबर थ्री पर जो एक रन से मुकाबला जीते थे पिछले मुकाबले में मुल्तान सुल्तान के खिलाफ, कराची किंग्स जो कल एक दो रन से मुकाबला हारे, और क्वेटा ग्लैडिएटर्स जिनकी आज एक बहुत दर्दनाक हार रही और एक बहुत बुरी हार रही। इस्लामाबाद यूनाइटेड अकेली इकलौती ऐसी टीम है जिनकी कोई मैच नहीं हुई अभी तक, और याद रखिएगा टॉप फोर टीम्स क्वालिफाई करेंगी क्वालिफायर्स के लिए, तो पहले चार में से दो में आना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपको एक एडवांटेज मिले और आपको क्वालिफायर वन के बाद भी फाइनल में जाने का एक्स्ट्रा मौका मिलता है आपको। तो ये था आज का लेखा जोखा, 9 विकेटों से मुकाबला जीत लिया मुल्तान सुल्तान से। थैंक यू सो मच तन्मय, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़े, ऐसे हमें प्यार देते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम लेकर आए हैं क्रिकेट का पिटारा, पीएसएल का सारा जो न्यूज है और सारी बॉल बाय बॉल कमेंट्री है वो हम आपके लिए लेकर आने वाले और आगे भी लेकर आएंगे। नोटिफिकेशन घंटी, हाँ जी बिल्कुल, मैं भूल जाता हूँ लेकिन हमें भूलने नहीं देते हमारे प्रोड्यूसर साहब, तो थैंक यू सो मच, प्लीज नोटिफिकेशन की घंटी भी ऑन कीजिए। और तन्मय, मैं आपसे कल मिलूंगा इसी समय अनुसार, हम कल की मैच के बारे में बात करेंगे, जल्दी बात करेंगे, और धन्यवाद हमारे सारे दर्शकों को, गुड नाइट, टेक केयर, गुड बाय।